ये हमारा प्लिमथ सिटी है और ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ। बहुत ही प्यारा सिटी है और बिल्कुल बिजी नहीं है जैसे लंदन या मैनचेस्टर है। बड़ा ही सुकून वाला सिटी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हूँ क्योंकि मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ में, तो मैं अपने मास्टर्स के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मेरे से काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि किस तरह पहुँचे आप इंग्लैंड में, कितने आपने बैंड्स लिए आइट्स में और कितने पैसे लगे, और उसके अलावा ये कि कितनी देर में आपका प्रोसेस हुआ, और उसके बाद पूछ रहे थे सारा प्रोसीजर क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में वीडियो बना दूँ ताकि जितने भी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो सबसे पहली बात तो ये कि आइट्स के मेरे कितने बैंड्स थे, मैंने 6.5 आइट्स में मेरे बैंड्स आए थे। स्पीकिंग और लिसनिंग के मेरे ज़्यादा अच्छे आ गए थे, राइटिंग में कम थे। स्पीकिंग में मेरे 7 बैंड्स आ गए थे और लिसनिंग में 7.5 थे। राइटिंग में मेरे 5.5 आए थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू हो गया था लिखते वक्त, को इतना स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ हो गई थी, और दूसरा एक छोटा सा इशू इस तरह हो गया कि मैं उस तरह से समराइज़ नहीं कर सका जिस तरह से मैं करना चाह रहा था चीज़ों को। तो एनी हो 6.5 बैंड्स आए थे मेरे, और मैं अपना कंप्लीट यूके का प्रोसेस शेयर करूँगा आपके साथ अगली वीडियो में। तो आप जिस भी बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं आप उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी यूके आने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, और किस तरह से मेरा एडमिशन हुआ, किस तरह से मैंने डेडलाइन मीट की, और उसके अलावा टीबी टेस्ट वगैरह जो जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, मैं उसके बारे में ज़रूर शेयर किया करूँगा आपके साथ। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जितनी भी हमारी इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी है या बांग्लादेशी हैं, जितनी भी कम्युनिटी है हमारी एशिया की, मैं कोशिश करूँगा उन लोगों से भी पूछूँ कि उनको क्या क्या इश्यूज़ फेस करने को मिले, ताकि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के अंदर कहीं पे भी बैठ के वो वाले इश्यूज़ इस वक्त फ़ेस कर रहे हैं जो कि ये वाले लोग पहले फ़ेस कर चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा हौसला हो या उनको उन इश्यूज़ में से कोई वे आउट नज़र आए कि वो किस तरह से इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरे लोगों को भी मैं ऐड किया करूँगा अपनी वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगले आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।